कानपुर में तीन लड़कियों की अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। एक दूसरे के प्यार में पागल तीन लड़कियां घर परिवार को छोड़कर एक साथ रहने के लिए फरार हो गई। तीनों लड़कियों को चकेरी पुलिस ने गाजियाबाद से बरामद किया है, जिनमें दो लड़कियां आपस में शादी करने की बात कह रही है। इन दोनों लड़कियों का कहना है कि वो एक दूसरे से बेहद प्यार करती है और साथ में रहना चाहती है। आपको बता दें कि चकेरी थाना क्षेत्र की रहने वाली 20 साल की लड़की 2 सितंबर 2020 को लापता हो गई थी। परिजनों की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। साथ नहीं में रहेंगे, अब ये दोनों साथ में रहेंगी अकेले, हम तो अपनी लड़की को ले जाना चाहते हैं, मगर जब नहीं जाएगी तो फिर जो भी होगा वो देखा जाएगा। क्या बता रही लोगों, शादी कर लिया आपस में? बोल तो रही है शादी कर लिया है। ये नहीं बताया सर हमसे, आप लोगों ने पूछा जब भी उन्होंने बताया कि हमने शादी कर ली, हमसे तो कुछ नहीं बताया सर ना हमने अभी। मुलाकात कैसे हुई थी? कैसे इतने लोगों में ये मेरी लड़की 1:30 बजे यहाँ घर से निकली है, वो 3 बजे निकली लखनऊ वाली, बता तो रहे नाते रिश्तेदारी में आते जाते थे। जांच में पुलिस को लड़की के नंबर की लोकेशन गाजियाबाद में मिली। पुलिस ने वहां से एक साथ रह रही तीनों लड़कियों को बरामद कर लिया। प्रॉब्लम नहीं है, बस हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं। ये जो साथ में है वो क्या नाम है इनका और कौन है तुम्हारे? शालू। शालू कौन है आपके? शालू की कौन है? शादी किया। शादी की? कब की शादी? काफी दिन। अच्छा, कैसे सजेशन कैसे दिमाग में आया कि कौन तुम्हारे दोस्त नहीं है? बेटा बताओ तो, तुम्हारे दोस्त नहीं है? अब अच्छा, आप क्या चाहते हो, घर वापस जाना है? साथ में रहना, साथ में रहना है। और जो तीसरी जो लड़की तुम्हारे साथ थी, वो इनकी फ्रेंड थी, तो इन्हीं के साथ में रहना है कि उनके साथ में भी रहना है? नहीं, कल इनके साथ में रहना है। अच्छा, वो अपनी मर्जी से गई थी। अच्छा, कितने दिन से बाहर थी तुम? कितने दिन से बाहर थी? 15 दिन हो गए। शादी कब की? शादी तो काफी दिनों के पहले कर लिया। अच्छा, शादी कहाँ पर? यहाँ पे थी तभी कर लिया। शादी कहाँ की थी? यहीं पर थी तभी की। कहाँ पर की थी? यहाँ पे। यहाँ पे शादी कहाँ की थी? जनवरी में। नहीं, कहाँ पर की थी, किस तरह से की थी शादी? ऐसे ही मंदिर में। मंदिर में की थी? कौन से मंदिर में? ऐसे ही मंदिर था। अब इन्हीं के साथ रहना है? हाँ। शादी कर चुके हो? हाँ। सामने देख के बताओ। हाँ। कर चुके शादी? ठीक। हालांकि बरामद लड़कियों में दो कानपुर की और एक लखनऊ की रहने वाली है, जिसमें से एक लड़की के परिजन उसे मना कर अपने साथ घर ले गए, जबकि दो लड़कियां साथ में रहने पर अड़ी हुई है। पंजाब केसरी के लिए कानपुर से अमरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट।